सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएनस यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनस यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है अगर आपकी एज जो है वो थोड़ी सी हाई हो, या फिर आपके सीआरएस पॉइंट थोड़े से कम हो, और या फिर आपकी एजुकेशन जो है थोड़ी सी लो हो। तो ये सारी चीजें किस प्रोग्राम में कवर होते हैं इसके बारे में आज का पूरा वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जिस प्रोग्राम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उस प्रोग्राम का नाम है अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, और ये जो है एक पीएनपी प्रोग्राम है और जिसमें कि आप अल्बर्टा में अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है अल्बर्टा का जो विंटर है वो काफ़ी ज़्यादा हार्स होता है, तो इस हिसाब से आप जो है तैयारी रख के जो है अल्बर्टा में अप्लाई करें। और इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको जो है अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाना है मतलब उतना ज़्यादा इजी चीज़ नहीं है। 100 में से 67 पॉइंट्स लाने पड़ते हैं जो कि आप सबको पता ही है। अगर आपके 67 पॉइंट्स हो जा रहे हैं देन आप जो है एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, और एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 67 पॉइंट्स लाने के लिए जो है काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि आपका एजुकेशन, आपके आइल्स के स्कोर, आपका एज। देन आप सोच रहे होंगे कि आपने कहा था कि भाई स्टार्टिंग में कि हायर एज हो या फिर लो सीआर स्कोर हो या फिर लो एजुकेशन हो देन ऑल्सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये चीज होती है, बट वो होती है अल्बर्टा के पीएनपी प्रोग्राम में। बट एक्सप्रेस एंट्री में आपको प्रोफाइल बनाने के लिए वो चाहिए 67 पॉइंट्स, और 67 पॉइंट्स लाना उतना ज़्यादा इजी नहीं होगा, ये मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। अगर आपके 67 पॉइंट्स हो जाने हैं और आपने एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल बना ली है देन आपको जो है ध्यान रखना है कि अगर आपका सीआरएस पॉइंट फिर भी लो हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं 400 क्रॉस करते करते काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ब्लेसिंग है कि जो लोग जो है एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल बनाने के लिए जो है क्वालिफाई कर जाते हैं बट सीआरएस पॉइंट जो है लो होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो है आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह बन गया है अल्बर्टा। अल्बर्टा का एक खुद का एक वेबसाइट है जहाँ पे कि आप जाके अकाउंट बना सकते हैं, और उस वेबसाइट का नाम है account.alberta.ca। इसमें आप जाके जो है अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। तो पहली चीज, एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल बनाइए, और उसमें कम से कम जो है 3 महीने बचे हुए होने चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि 1 साल हो जाने के बाद जो है आपकी प्रोफाइल कहीं ना कहीं लैप्स हो जाती है, तो इस वजह से जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आपके 3 महीने जो है बचे हुए होने चाहिए। अगर नहीं बचे हैं देन रिक्रिएट कीजिए अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल। फिर जो है आप अल्बर्टा का जो वेबसाइट हमने बताया accounts.alberta.ca, इसमें जो है आप विजिट कीजिए और उसमें अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, और फिर जो है आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है CLB 7 आपके आइल्स के स्कोर में। ये चीज़ अगर हो जाती है देन बाकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं। प्रूफ ऑफ फंड तो आपका तो रहता ही है, जो एक्सप्रेस एंट्री में है वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखानी है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो एजुकेशन मांगी गई है वो 12th एंड अबव मांगी गई है। तो अगर आप 12वीं पास हैं देन ऑल्सो आप जो है इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है कोई भी एज का बैरियर नहीं है, तो आप जो है बिना एज का फिक्र किए हुए आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्वालिफाई करने के लिए जो है सीआरएस स्कोर जो रिक्वायर्ड है वो है 300। तो जिन लोगों के भी स्कोर जो है 300 एंड अबव हो रहा है वो लोग जो है इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपका जो आइल्स का स्कोर है वो CLB 7 के बराबर होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके जो है आप इस प्रोग्राम में क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी सारी चीज़ें लो होने के बावजूद भी आप जो है इस प्रोग्राम में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सिर्फ आपको अपनी इंग्लिश पे ही वर्कआउट करना है। तो इतना अगर आप कर सकते हैं देन अल्बर्टा का ये जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसे कि हम जानते हैं अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम के तौर से, इसमें आप जो है आराम से रजिस्टर कर सकते हैं। पहले अल्बर्टा में अप्लाई करने के लिए ढेर सारे पेपर वर्क लगते थे, अब कोई भी चीज़ पेपर वर्क में नहीं होती है। 1 अक्टूबर से जो है सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो आप चाहे देन आप जो है ऑनलाइन प्रोफाइल क्रिएट करके जो है आप फिर इस प्रोग्राम के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं, एंड आपके सिलेक्शन होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता होगा कि अगर प्रोविंस से नॉमिनेशन आ जाता है देन 600 पॉइंट्स ओवर एड हो जाते हैं आपके सीआरएस स्कोर में, और वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ में क्वालिफाई करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो बस इतना ही कहना चाहता था आज के हमारे इस वीडियो में। होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ। स्टे कनेक्टेड।